हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग करंट के बारे में स्टडी करेंगे लास्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर सिक्स था उसमें हमने करंट को स्टार्ट किया था राइट right? तो हम लोग एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हमने नहीं करंट के बारे में किया था हम लोग करंट स्टार्टिंग से चलते हैं राइट right? तो करंट की अगर मैं बात करूँ करंट क्यों फ्लो करता है स्टूडेंट्स ये हमने बात किया था लास्ट क्लास में तो करंट का फ्लो करना मींस चार्ज जब फ्लो करेगा तो हम कहेंगे करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज फ्लो कब करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है और चार्ज का फ्लो होना करंट का फ्लो होना कहलाता है राइट right? और मैथमेटिकली बात करें स्टूडेंट्स हम लोग तो हम लोगों ने करंट के बारे में लिखा था मैथमेटिकली करंट करंट फ्लो तो कर रहा है कम फ्लो कर रहा है ज्यादा फ्लो कर रहा है तो कौन डिसाइड करेगा कि चार्ज कम फ्लो कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू या चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है तो आइए हम लोग मैथमेटिकली करंट को समझते हैं तो करंट इट इज द रेट ऑफ it is the rate of it is the rate of flow of uh, rate of flow of electric charge electric charge with time with time through through

इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है जैसे देखिए स्ट्रेन ये मान लीजिए वायर है ये एक वायर है कंडक्टर है, है और यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के एक्रॉस जो है इसके एंड के एक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का सोर्स क्या है स्ट्रेंड तो मैं कहूंगा सोर्स जो होता है वो क्या है सेल होता है राइट right? तो अगर मैं इस कंडक्टर के राइट right? टर्मिनल्स को एंड्स को सेल से कनेक्ट कर दूं, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में बहुत ज्यादा होते हैं आप कह सकते हैं टेन टू द पावर ट्वेंटी नाइन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम में टू दॉट ट्वेंटी नाइन इतने ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने पर सेल से कनेक्ट करने पर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा और वो क्या करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना मूव करना चालू करेंगे तो अगर मैं बात करूं इसका हमने जो है एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो है क्रॉस सेक्शन आप इसको काटेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा सर्कुलर राइट right? जैसे ये सिलेंड्रिकल पेन है आपका मार्कर है कंडक्टर बोल रहे हैं हम लोग इसे अभी तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्या है सर्कुलर है तो इस क्रॉस सेक्शन के किसी एक क्रॉस सेक्शन आप ले लिए ये वाला क्रॉस सेक्शन तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यूनिट टाइम में राइट right? यही आपको क्या बताता है आपकी करंट की स्ट्रेंथ क्या है मैग्नीट्यूड क्या है आपकी करंट की राइट तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं और हम लिख सकते हैं करंट आई करंट का सिंबल स्टूडेंट आप याद रखिएगा करंट का जो सिंबल है वो क्या है आई होता है सिंबल राइट आई इज द सिंबल ऑफ करंट आप कहीं पर लिख भी लें तो आई इज इक्वल टू क्यू क्यू क्या हो गया आपका चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर आप लिख लें चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और ये क्या है जिस टाइम इंटरवल में इतना चार्ज राइट फ्लो हुआ है तो टी आपका टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो किया है तो करंट का आपको फॉर्मूला मिलता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और स्टूडेंट आपने जो है पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एनी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू की जगह पे एनी लिख लिया तो I जो है आपका करेंट I इज इक्वल टू आपने लिखा Q बाई टी और सेकेंड जो है आपने लिख लिया Q इज इक्वल टू एनी जहा क्या है N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन राइट तो ये बात हो गई आप ऐसा भी लिख सकते हैं अभी Q का मतलब क्या है Q मीन्स चार्ज फ्लोइंग और ये T आपका जो है टाइम इंटरवल इस बात को आप नोट कर ले स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके चलिए तो अब ये है अगली लाइन में आप ये भी लिख लें इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है एनी अपॉन टी वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन और ई e, इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन तो ये तो बात रही स्टूडेंट करंट के बारे में अब देखिए हम लोग आगे जो है करंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप लिखें करंट के अगर हम लोग बात करें कैसे क्वांटिटी है तो नंबर वन आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट करंट इट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं करंट को देखिए करंट जो है आप जब भी डायग्राम में बनाएंगे तो करंट को जो है एरो से दिखाते हैं कि किसी रेजिस्टर में जब भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया कोई भी कंडक्टर तो क्या है करंट करंट और करेंट की डायरेक्शन को आप दिखाते हैं राइट अभी हम लोग जिक्र करेंगे करंट की डायरेक्शन की तो करंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है उसकी वैल्यू है कुछ वन एमपीयर टू एमपीय थ्री एमपीयर कुछ होगी और डायरेक्शन भी होता है मगर उसके बाद भी करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं राइट स्केलर क्वांटिटी मतलब उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है मगर यहां पर करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसके बावजूद स्केलर क्यों है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन राइट आप लिख लें इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट it has direction and magnitude both but still it is but still it is a scalar quantity because because it does not follow it does not follow वेक्टर इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो वेक्टर होने के लिए तीन बातें होनी चाहिए मैग्नेट्यूड डायरेक्शन और साथ ही साथ वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए राइट आगे जो है हम लोग स्टडी करते हैं क्या है वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन वो दूसरा टॉपिक है आपका राइट सिंपल एडिशन जो है जैसे टू प्लस टू फोर वो यहां पर जो है चल जाएगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन टू प्लस टू फोर नहीं होता है वहां पर एंगल राइट एंगल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं फिर हम लोग बाईफॉर्मूला राइट right? बहुत सारे मेथड्स हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करने के वो आगे देखेंगे राइट right? अभी हम लोग अपने टॉपिक पे ही रहते हैं तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी अब जो है नंबर टू आप लिखें इसके यूनिट्स के बारे में नंबर टू पॉइंट एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट जो होती है स्टूडेंट दिस इज एम्पियर एम्पियर होती है और आप इसको कैपिटल ए से शो कर सकते हैं राइट right? जैसे टू एम्पियर की करंट है तो आप जो है टू ए लिख दिए तो ये जो है एम्पियर को शो करेगा टू एम्पियर और एम्पियर क्या है एसआई SI यूनिट है और सीजीएस यूनिट की आप बात कर लो सीजीएस यूनिट तो सीजीएस यूनिट होती है बायोट बी आई ओ टी बायोट होती है और स्टैट एम्पियर स्टार्ट एम्पियर तो आप इसको भी याद रखिएगा वैसे हमारे जो है कोर्स में एंपियर को ज्यादा यूज किया जाएगा राइट right? बहुत कम जगह या लगभग लगभग ना के बराबर आप इन दोनों चीज को देखेंगे बट स्टिल यू शुड नो राइट चलिए तो ये तो बात हो गई यूनिट्स की सीजीएस यूनिट बायोट है और स्टैट एम्पियर है आगे चलते हैं स्टूडेंट और अब बात करते हैं डायरेक्शन की तो करंट के फ्लो की क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो यस ऑब्वियसली करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन कैसी होती है करंट के फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट करंट इज टेकन इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ direction of direction of flow of positive charges flow of positive charge through the through the conductor so its direction ज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव के ऑपोजिट होता है राइट right? तो कन्वेंशनली हम लोग जो है करंट को कहते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे करेंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के ऑपोजिट उसका फ्लो होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट है तो दोनों एक ही बात है ऐसा नहीं है कि दोनों बातें डिफरेंट हैं दोनों एक ही बात है तो कन्वेंशनली ऐसे कहते थे या yeah, आप सिंपल कह सकते हैं कि जब जो है बातें हो रही हैं कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है राइट right? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा संख्या है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज ऑपोजिट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एन द कंडक्टर या आप थ्रू द कंडक्टर लिखें थ्रू द कंडक्टर तो डायरेक्शन ऑफ करेंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है राइट right? तो हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्यों कहा क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हाई जो है संख्या में होता है राइट right? तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जैसा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट आपने जो है इस बात को लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके अब देखते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ करंट में ही अगर कोई हमारा ये कंडक्टर है वायर है हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इसके क्रॉस और इलेक्ट्रॉन इस वायर में जो है मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है फ्रॉम बी टू इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट ये होगी करंट आई की डायरेक्शन राइट right? आप इस फिगर को बना लें क्लियर तो इस तरीके से करंट की फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट आप जो है मेंशन करेंगे चलिए तो यहां पर हमने जो है डायरेक्शन के बारे में कंफर्म कर लिया और हमें पता चला आई करंट जो है वो क्या है चार्ज पर यूनिट टाइम क्लेश करंट का कॉन्सेप्ट करंट फ्लो क्यों करता है चार्ज के फ्लो करने के कारण और चार्ज क्यों फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया जाता है उसके कारण तो अल्टीमेटली करंट क्यों फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा राइट right? तो आप लोगों ने अपने टॉर्च घरों में टॉर्च या सेल वगैरह जो देखे वॉच वगैरह जो देखे हैं उसमें करंट फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है उसको कराने के लिए हमें जो है एक्सटर्नल सेल या बैटरी को लगाना पड़ता है क्लियर अब देखिए आपसे किसी ने कहा कि करंट तो ये है चलिए ठीक है अब इसकी जो एस आई यूनिट है एम्पियर इसकी एम्पियर की डेफिनेशन बताइए तो आप क्या बताएंगे एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक कुलॉम एक कुलॉम का चार्ज एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में एक सेकेंड में फ्लो करता है अगर एक कुलॉम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक सेकेंड में फ्लो करता है तो करंट जो होगा Produce, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड ही वन एमपियर होगा तो आपको डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है आपने समझ लिया तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं राइट right? इसी बात को हम लोग वर्ड्स में लिखे एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स पूछा जाता है ये सारी चीजें डिफाइन वन एम्पियर ठीक ऐसा यूनिट को कहता है कि डिफाइन करिए डिफाइन फोर्स की यूनिट न्यूटन डिफाइन न्यूटन राइट इस तरीके से तो लिखिए 1 ampere 1 ampere is that is that current flowing through flowing through a conductor flowing through a conductor when 1 coulomb when one coulomb charge flows through its cross section एन कहता yeah. time में yeah. n one second तो एक करंट की करंट एक एम्पियर की करंट कब फ्लो करेगी जब एक सेकंड में एक कुलॉम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो करेगा स्टूडेंट्स तो आप वीडियो को पॉज करें और इस बात को लिख लें राइट right. तो हम लोग आगे चलें आपको कोई भी चीज याद करने की रटने की जरूरत नहीं है आप सारी चीजों को फिजिक्स में बिल्कुल समझ के करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा अब जैसा डेफिनेशन ही है तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख ली कोई भी चीज हमें याद करने का पेन लेने की जरूरत नहीं है चलिए तो ये दो बात हुई स्टूडेंट्स वन एम्पियर ऑफ करंट क्या होती है अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट करंट कितने टाइप्स की हो सकती है टाइप्स ऑफ करंट राइट टाइप्स ऑफ करेंट तो नंबर वन जो करेंट की टाइप है वो है स्टडी स्टडी करेंट करेंट स्टडी हो सकता है नंबर टू स्टडी मींस कांस्टेंट रह सकता है नंबर टू वेरिएबल हो सकता है वेरिएबल करेंट और नंबर थ्री स्टूडेंट अगर बात करें क्या हो सकता है तीसरा जो टाइप है करंट का वो है ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट राइट ऑल्टरनेटिंग करंट या इसी को एसी भी बोलते हैं एसी सप्लाई तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं ये होते क्या हैं तो नंबर वन स्टडी करेंट देखिए स्टडी करंट क्या है तो अगर मैं कहूं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है अभी ग्राफ भी देखते हैं कोई भी एक जो है कंडक्टर है राइट right? आपने क्या किया यहां पर जो है सेल को लगा दिया बैटरी लगा दी राइट right? मतलब क्या किया आपने जो है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स पे कंडक्टर के ए और बी अब यदि बात करें किसी क्रॉस सेक्शन से किसी क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है राइट right? तो आपका करंट कैसा होगा करंट भी आपकी कांस्टेंट होगी अगर एक सेकंड में 10 कुल का चार्ज फ्लो किया अगले एक सेकंड में फिर से 10 कुल का चार्ज फ्लो कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन से फिर से अगले एक सेकंड में 10 कुल का तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज का फ्लो कांस्टेंट है या आप लोग कह सकते हैं चार्ज का फ्लो कॉन्स्टेंट है तो क्या हुआ करंट जो होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी राइट रहे? उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कभी चेंज नहीं करेगा मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू दो एम्पियर उसकी वैल्यू है या तीन एम्पियर की वैल्यू है तो अगर हम लोग स्टूडेंट ग्राफ बनाए करंट वाई एक्सिस पे और टाइम को ले लिया टाइम एक्स एक्सिस पे और ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इस समय आपकी करंट क्या है करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा देखिए समय टाइम चेंज हो रहा है टाइम बढ़ता जा रहा है मगर करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही बना हुआ है जितना कि वो है राइट right? तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे ये करंट कैसी है स्टडी करंट है और स्टडी करंट कब फ्लो करेगी जब चार्ज का फ्लो किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू वो कॉन्स्टेंट बना रहेगा राइट right? तो आप लोग लिख लें इफ द मैग्नीट्यूड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इफ द मैग्निट्यूड ऑफ करेंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट डज नॉट डज नॉट चेंज विद टाइम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम देन सच करेंट आप आगे लिखें देन सच करेंट ज कॉल्ड स्टडी करेंट देन सच करेंट इज कॉल्ड स्टडी करेंट तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट स्टडी करंट क्या होती है नंबर टू आप जो है नोट करें नंबर टू वेरिएबल करेंट तो नाम से ही जो है पता चलता है वेरिएबल करंट क्या होगी नंबर टू वेरिएबल करंट आप ग्राफ भी बनाएंगे साथ में स्टूडेंट स्टडी करंट में ये वाला आपने ग्राफ बना लिया होगा चलिए अब यो है हम लोग बात करते हैं वेरिएबल करंट तो वेरिएबल वेरी का मतलब क्या होता है वेरी का मतलब चेंज होना तो मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर के थ्रू करंट कैसी है चेंज हो रही है हमेशा और करंट कब चेंज होगी जब सेम सेम टाइम इंटरवल में जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से वो क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो पहले एक सेकेंड में दस कुलम का चार्ज फ्लो किया फिर दूसरे दूसरे एक सेकेंड में बीस कुल का फिर तीसरे सेकेंड में जो है पांच कुलम का चार्ज फ्लो किया तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट क्या है करंट की वैल्यू भी हर समय चेंज हो रही है तो ऐसे करंट को आप लोग वेरिएबल करंट बोलेंगे और इसका जो है आप अगर फिगर बनाए तो आप जो है चेंज होता हुआ दिखा दीजिए करंट की वैल्यू क्या हो रही है कभी बढ़ रही है कभी घट रही है समय के साथ साथ क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो आप लिख लें इफ द मैग्नीट्यूड इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑफ करंट चेंजेस विद टाइम देन सच करेंट देन सच करेंट इज कॉल्ड वेरिएबल करेंट देन सच करेंट इज कॉल्ड वेरिएबल करेंट इज इट क्लियर स्टूट तो ये तो बात हो गई आपकी वेरिएबल करेंट की चलिए उसको रब करते हैं आप ग्राफ भी बना ले साथ में तीसरी जो टाइप बची है वो क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट नंबर थ्री अल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है स्ट्रेंट कि यहां पर जो डायरेक्शन है जो डायरेक्शन है करंट की और जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो दोनों ही टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी टाइम के साथ साथ वेरी यदि करेंगे तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं राइट right? जो करंट हमारे घरों में आती है स्टूडेंट जिससे हमारा आज लाइट फैन सब कुछ चल रहा है जो घर में घर में आ रही है करंट राइट right? पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू तो ये जो करंट होती है ये अल्टरनेटिंग करंट ही होती है और इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो हर समय समय के साथ साथ पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊ स्टूडेंस तो टाइम और करंट के बीच में ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं राइट right? देखिए यहां पर जो है अगर हम लोग बात करें मैं ग्राफ को थोड़ा सा और जो है एक्सटेंड कर देता हूं यहां पर देखें तरीके से टाइम के साथ ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है राइट तो यहां पर देखिए अब अगर हम लोग बात करें ये वेव्स जो है इस तरीके का जो ग्राफ बन रहा है ये यहां से यहां तक जैसा है उसके बाद ये फिर से वैसा ही देखिए हू स्टार्ट हो गया इस वजह से हम कहते हैं कि क्या है समय के साथ ये पीरियोडिकली चेंज होता है राइट और इसका टाइम पीरियड जो है आप कह सकते हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो इतने जीरो से कैपिटल टी टाइम के बाद फिर से ये चेंज हो गया और ये टाइम क्या होगा टाइम पीरियड आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो टूटी राइट right? तो यहां पर मैग्नीट्यूड देखिए करंट की एक्सेस ये है और ये वाली क्या है माइनस करंट है नेगेटिव में तो करंट का मैग्नीट्यूड देखिए समय के साथ साथ मैग्नीट्यूड क्या है चेंज हो रहा है यहां पर फिर घटने लगा मैग्नीट्यूड पहले बढ़ा फिर घटने लगा और फिर डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो हाफ टाइम पीरियड के बाद इतने से टाइम के बाद क्या हुआ ये उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगा स्ट्रेट्स राइट right? तो ऐसे करंट को आप कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट आप लिख लें इफ द मैग्नीट्यूड इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वेरी बोथ वेरी विद टाइम विथ टाइम बोथ वेरी विद टाइम पीरियोडिकली पीरियोडिकली देन सच करेंट देन सच करेंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करेंट देन सच करेंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करेंट तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ करंट कैसे हो सकते हैं तो एक हो सकता है स्टडी करंट, दूसरा हो सकता है आपका वेरिएबल करंट, थर्ड जो होगा वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा राइट right? घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितनी हो, कैसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट ही होती है और अगर हम लोग बात करें घर में जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब वन अपॉन टाइम पीरियड तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में वो फ्रीक्वेंसी अगर बात करें फ्रीक्वेंसी क्या होती है वन बाई टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी जो है लगभग फिफ्टी हर्ट्ज की होती है राइट right? तो ये रहा ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी हम लोग आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर के फिनिश में राइट right? तो चलते हैं अब आगे स्टूडेंट्स राइट right. तो अब जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग करते हैं ओम्स लॉ ओम्स लॉ राइट चलिए तो देखते हैं ओम्स लॉ है क्या स्टूडेंट तो ओम्स लॉ की बात करें ओम्स लॉ कहता क्या है अभी हमें पता चला कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे मींस पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस तो करंट फ्लो करेगी राइट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा आपका सेल देगा राइट अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा तो सेल देगा अब आप सेल की जो है एक सेल यूज किए आप अब जो है दो सेल यूज कर लें तीन सेल यूज कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बढ़ता जाएगा तो ओम्स ने जो साइंटिस्ट थे ओम्स उन्होंने क्या किया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट के मैग्निट्यूड को स्टडी किया आइए मैं एक डायग्राम बनाता हूं सर्किट डायग्राम यहां पर हमारा एक कंडक्टर है और हमने इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब सेल और लास्ट क्लास में देखा था हमने सेल का सिंबल क्या होता है ये होता है सेल का सिंबल राइट right? एक लंबी लाइन है इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल राइट right? पोटेंशियल डिफरेंस देता है होता क्या है जो सेल का पॉजिटिव है अगर हमने मान लो कि जो है वो दो वोल्ट पर है और नेगेटिव वाले को जीरो वोल्ट पे हमने कहा तो इस सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा स्टूडेंट वो कितना होगा टू माइनस जीरो।, तो जीरो, जीरो वोल्ट से ये वाला टर्मिनल है लगा तो ये जीरो वोल्ट पर ये टर्मिनल हो जाएगा और जो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है राइट और जब हमने इसको जो है टर्मिनल इस वाले को पॉजिटिव से टू वोल्ट पे कनेक्ट किया तो कितना हो गया टू वोल्ट तो इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टू वोल्ट हो गए अब कंडक्टर के पोटेंशियल सॉरी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो सी बात है करंट फ्लो करेगी राइट right? करंट जो है वो किस तरीके से फ्लो करेगी स्टूडेंट्स तो करंट जो है हमने कहा कि कुछ फ्लो करने लगी अभी इसका प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे पहले ओम स्लो को जिक्र करते हैं राइट right? फिर कैसे करंट फ्लो करती है चार्ज कैसे मूव करेंगे वो देखेंगे तो यहां पर करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर अब देखिए जैसे जैसे आप जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दे एक और सेल लगा दें तो क्या होगा एक और सेल लगा दिया तो ये फोर वोल्ट का हो गया राइट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फोर वोल्ट हो जाएगा आप और बढ़ा दें जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैपिटल से सिंबल से शो करते हैं तो ओम्स ने कहा कि अगर इस सेटअप का फिजिकल कंडीशन अगर हम लोग कांस्टेंट रखें फिजिकल कंडीशन जैसे कि प्रेशर हो गया टेम्परेचर हो गया ये कांस्टेंट रखें बढ़ने ना दें तो क्या होगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस और करंट रिलेशन क्या होगा तो ओम्स ने बोला करंट फ्लोइंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर तो ओम्स ने जो साइंटिस्ट थे ओम्स उन्होंने कहा कि अगर फिजिकल कंडीशंस को हम लोग कांस्टेंट रखें लाइक प्रेशर टेम्परेचर तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर जो कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर ठीक इस बात को हम लोग वर्ड्स में लिख लें आप लिखें ओम्स लॉ को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम लॉ Ohm's law The current the current flowing the current flowing through the flowing through the conductor is directly is directly proportional is directly proportional to the is directly proportional to the potential difference potential difference applied across the across the टर्मिनल्स एक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर टू द एक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर आगे लिखें कीपिंग आगे से नोट कर लें यहां पर जगह नहीं है आप खुद से नोट करें कीपिंग या मैं यहां लिख देता हूं कीपिंग

करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल भी डायरेक्टली प्रोपोशनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स राइट अपलोड कर लें वीडियो को पॉज करें मैं बोल देता हूं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर अप्लाइड अक्रॉस द

तो आप लिख सकते हैं V इज प्रपोर्शनल टू I, राइट पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के या आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है I इन टू प्रपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट स्टूडेंट R, राइट right? आप ये फॉर्मूला याद करें V इज इक्वल टू आई आर आर क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोशनैलिटी या इसी को और रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस सिंबल जो है आर राइट right? तो रेजिस्टेंस क्या है हम लोग देखते हैं आप पहले इसे नोट करें वी इज इक्वल टू आई आर आर जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोशनलिटी है या रेजिस्टेंस है इसको सिंपली रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस होता क्या है स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की राइट right? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके कारण यह कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टेंस नाम से ही लग रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है और किस चीज का करता है करंट के फ्लो को होने में रेजिस्ट करता है या रेजिस्टेंस पैदा करता है राइट right? तो कोई भी कंडक्टर जैसे ये कंडक्टर है ठीक है तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ होगा और वो कितना होगा उसमें हम लोग लिख लें resistance it is it is the property it is the property of a conductor it is the property of a conductor by virtue of which by virtue of which it opposes it opposes the flow of the flow of electric current electric current through it right resistance it is the property of a conductor by virtue of which इट अपोजिज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट इलेक्ट्रिक करेंट को चाहता है कि ये फ्लो ना हो रुकावट कुछ पैदा करता है कंडक्टर और जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस जैसे आदमी मेरे अंदर जो है एक प्रॉपर्टी है गुस्सा करने की अगर कोई झूठ बोले कोई गलत काम करे राइट तो मैं क्या करूंगा मैं गुस्सा हो जाऊंगा उसकी जो है गलत चीजों का अपोज करने के लिए राइट तो ऐसा ही कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट के फ्लो होने में अपोज करता है राइट और ये कहां से आती है कैसे आती है ये नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट हमारा इसी टॉपिक रेजिस्टेंस पर होगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से करंट को फ्लो होने में ये रुकावट पैदा करता है इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जबकि हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि करंट के फ्लो होने का क्या मैकेनिज्म है किस तरीके से करंट को ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है फ्लो होने में तो थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं टाइम भी हमारा जो है आज हो रहा है राइट तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं और आप आज की क्लास की वीडियो को जो है नोट्स अच्छे से बना के उस नोट्स को एक बार दो बार राइट खूब अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू